सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर पढ़ाऊंगी। बच्चों देखिए, इसके पहले वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न उत्तर बताई हूँ। आज देखिए, वर्ण संयोग किसे कहते हैं? आप लोग पढ़ चुके हैं संस्कृत में, वर्ण संयोग किसे कहते हैं? संयोग का अर्थ होता है वर्णों को मिलाना या जोड़ना। तो वर्णों को मिलाकर लिखने की क्रिया को भी वर्ण संयोग कहते हैं। वर्ण संयोग किसे कहते हैं? वर्णों को मिलाकर लिखने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे क धन अ धन क धन स धन आ बराबर क्या हो गया है? कक्षा। तो ये क्या हुआ? वर्ण अलग अलग करके यहाँ पे लिखे गए हैं और इसको हम मिला दिए तो क्या हो गया? यह वर्ण संयोग बन गया। यह कक्षा क्या हो गया? वर्णों का संयोग बन गया। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा वर्ण संयोग किसे कहते हैं, कि वर्णों को मिलाकर लिखने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? वर्ण संयोग कहते हैं। और वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्णों को अलग अलग करके लिखने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? बच्चों चौथा क्वेश्चन है, पुलिंग किसे कहते हैं? अभी आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा कि संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो अब चौथा प्रश्न है, पुलिंग किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को पुलिंग कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं शब्दों को पुलिंग कहते हैं, जैसे बालक, छात्र इत्यादि। ये सब क्या है? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। अब अगला प्रश्न है,
जाति भी सुनो, किसी भी जाति का बोध नहीं कराते हैं। जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति में से किसी का भी बोध नहीं कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे पत्रम, पुष्पम, फलम, पुस्तकम, यह सब क्या है? नपुंसक लिंग शब्द है। न पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और न स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्द क्या होते हैं? नपुंसक लिंग होते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया पुलिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुलिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो शब्द न स्त्री जाति का बोध कराते हैं और न पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग कहते हैं। तो बच्चों आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे प्रश्न उत्तर और याद भी कर लेंगे। बस आज के लिए इतना ही।